सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रख करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यदि आप भी इसकी पूजा करती हैं तो इस व्रत की पूजा कैसे की जाती है मैं बता रही हूँ। यह त्यौहार हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को आता है। व्रत को खोलने के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। माँ गौरी को प्रणाम करने के बाद ही आप लोग 16 श्रृंगार करें। इसमें कुछ कथाएं हैं जिसमें पहली कथा वीरावती की काफ़ी फेमस है। रानी वीरावती 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वो शादी के बाद अपने भाइयों के पास में आई तो उसने एक दिन व्रत रखा और उसने उसके भाइयों से उसका कष्ट न देखा गया तो उसके व्रत धोखे से तोड़वा दिए। जैसे ही उसने व्रत तोड़ दिया तो उसने सुना कि उसके पति की तबीयत खराब हो गई है। वो महल को गई तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद देवी पार्वती ने उन्हें करवा चौथ का रखने का नियम बताया और व्रत किया और उसके पति जीवित हो गए। फिर दूसरी कथा जो है उसमें यह है कि पांडवों ने माँ द्रौपदी ने किया था। इससे पांडवों को उसको कृष्ण भगवान ने बताया था जिससे जो है पांडवों को बहुत शक्ति मिली थी और विजय मिली थी। और जो सबसे फेमस कथा है वो करवा की है। करवा और उसके पति जो थे वो नदी किनारे रहते थे। एक दिन करवा का पति नदी किनारे स्नान करने गया तो वह उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो करवा कह करके चिल्लाने लगे। या सुन के करवा दौड़ करके भागी और उसने मगरमच्छ को जा करके धागे से बांध दिया और सीधे यम के पास चली गई और यम को जाके बोली कि आप मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। तो यम ने कहा कि कैसे ले जाऊँ, अभी तो उसकी उम्र बाकी है, अभी उसका नहीं हुआ है मरने का समय। तो उसने बोला कि यदि आप नहीं ऐसा करेंगे तो यम जो है मगरमच्छ जो है हमारे पति का प्राण ले लेगा और हम आपको यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुन करके यम ने तुरंत ही मगरमच्छ को नरक लोक ले गए और उसके पति को मगरमच्छ से छुटकारा मिल गया और वो एक लंबी आयु को जीवित रहे। इसीलिए करवा जो है हम लोगों को बहुत ही उससे मनाना चाहिए। इस दिन करवा के दिन सुबह जो है आप पहले करवा के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करके चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। अब करवे में जल भर कर करवा चौथ की कथा सुने। करवा की पूजा के दौरान माँ पार्वती का श्रृंगार करें और उनको अच्छे से सजाएं। फिर पूरे मन से भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और चंद्रमा दिखाई देने पर उसका अर्घ दें और जल में चंद्रमा को देखें या छलनी से दें। अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। हमारे उत्तर भारत में यह व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जो बहनें हम भारतीय औरतें जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे पति की दीर्घायु हैं, हमारे बच्चे दीर्घायु हैं, हम इस व्रत को मनाते हैं। यह व्रत थोड़ा कठिन तो होता है और जो है हम अपना उपवास जो है इस अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तभी महिलाएं कुछ ग्रहण कर सकती हैं। और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए और उस दिन हंस खेल करके रहिए। किसी हो सके तो आप थोड़ा किसी को सामान कुछ दान दे दीजिए और किसी भी सुहाग का सामान थोड़ा सा दान दे दीजिए और शिव और पार्वती को सोचिए। गणेश भगवान की पूजा कीजिए। माँ जो है इसमें ये भी सत्यवान और सावित्री की कथा का भी जिक्र है। जब सत्यवान की मृत्यु यमराज ने हर लिया था तो सावित्री खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने और बोला था जब तक मेरे पति की आप प्राण नहीं वापस करोगे तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। तो मजबूर होकर के यम को उनका प्राण उनके शरीर में डालना पड़ा। हैप्पी करवा चौथ बहनों, आप सब लोग सुखी रहें, आप लोगों का सुहाग अमर रहे।